कोरोना संकट में मंदी की मार झेल रहे दैनिक मजदूरी करने वाला मजदूर पौड़ी में बस अड्डे पर उनकी दुकान के आगे लगने वाली गाड़ियों से परेशान है। बस अड्डे पर छोटे दुकानदार जिन्होंने नगर पालिका से दुकान किराए पर ले रखी है, उनका कहना है कि उनकी दुकानों के आगे गाड़ियां खड़ी होने से ग्राहक उनकी दुकान पर नहीं आ पाते, जिससे उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। 7 बजे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, 7 बजे 11 बजे तक तो जो सामने बड़ी गाड़ी वहाँ दुकान के सामने आ रही, गिरा कौन आ रहा है। अच्छा जी, मतलब अभी तक हमारी भूमि तलक नहीं होगी गाड़ी की वजह से। गाड़ी की वजह से तो कौन सी गाड़ियाँ लगते हैं यहाँ पे? जम्मू की किसी केस की हटवा की। अच्छा, तो क्या चाहते हो प्रशासन से आप? प्रशासन से सर ये गाड़ी हट जाए। बस अड्डा कहाँ पे है इनका? बस अड्डा सामने बना हुआ है सर, जब पहले बस अड्डा नहीं था जब तो खड़ी कर लेते, जब तो कोई बात नहीं है, बस अड्डा बन चुका। बस अड्डे के बावजूद भी यहाँ पे लगा रहे गाड़ी? जब जब तीन गाड़ी लगाते हैं। कौन से? जेमू वाले? जेमू वाले, हरिद्वार का सीबीएस वाले। आपको बता दें कि पौड़ी बस अड्डे पर फल विक्रेताओं नाई मोची की दुकानें हैं, जिन्होंने 2000 से 3000 तक किराए पर दुकान ले रखी है। गढ़वाल मंडल मोटर्स की गाड़ियाँ अनावश्यक उनकी दुकानों के आगे खड़ी कर दी जाती है, जिससे ग्राहकों को आने में परेशानी होती है। अगर बस मना करते हैं यहाँ लगाने के लिए, तो मालने बनने के लिए लगने के लिए तैयार, तो कहाँ लगाए हमें जगह बताओ। ज़्यादा हम क्यों बताएं? हम थोड़ी बताएंगे कि बस अड्डा बनाए हुआ, सबको नहीं दिख रहा कि वहाँ बस अड्डा बनाए हुआ, हम वहाँ लगाएं बस। तो फिर क्या किया आज इन सुबह सुबह इन लोगों ने आपके साथ? थोड़ी आगे पीछे की, फिर बाद में टाइम हो रहा, हमारा टाइम हो रहा, कब होगा? शाम को 6 बजे से बस खड़ी हो जाएगी, सुबह 11 बजे तक कब करेंगे हम दुकानदार? हालांकि पुलिस प्रशासन कार्रवाई की बात तो करता है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रहती है। हालात में कोई भी सुधार देखने को नहीं मिलता। बस अड्डा बन जाने के बावजूद भी वाहन चालक अपने हट धर्मिता से बाज नहीं आ रहे और जहां तहां गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। जो भी वाहन चालक जो हमारे द्वारा पूरे पौड़ी क्षेत्र के अंदर जो है यातायात को तैयार किए जा रहे हैं, तो जो भी वाहन चालक अनावश्यक बेवजह लो पार्किंग जोन में या कहीं भी उसके बार बार चालन कार्रवाई की जाती है, तो वहीं दुकानदार अनावश्यक पार्किंग से जिस तरह से परेशान हैं, वहीं देखने वाली बात होगी कि कब तक प्रशासन की तरफ से इन पर कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी से न्यूज़ ऑल इंडिया के लिए भगवान सिंह की रिपोर्ट।